नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है ज्योति और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे और वो है हेयर कलरिंग। हेयर कलरिंग, हेयर डाई, बालों में मेहंदी लगाना, हैना लगाना बालों में, ये पहले के लोग बहुत करते थे और वो इसलिए करते थे क्योंकि उनके हेयर्स बहुत जल्दी वाइट ग्रेश हो जाते थे और फिर उसे छुपाने के लिए वो लोग मेहंदी, हैना या हेयर डाई का यूज करते थे। बट अभी हेयर कलरिंग ट्रेंड हो गया और हर किसी को हेयर कलरिंग करवाना है, हर अलग अलग कलर का, कभी पर्पल कलर, कभी ब्लॉन्ड कलर, कभी रेड कलर, कभी हाईलाइट करवाता अपने हेयर्स को, कोई नीचे से स्ट्रैंड्स को हाईलाइट करवाता, कोई पूरा क्राउन एरिया हाईलाइट करवाता है। सबके ऊपर डिपेंड करता है, जिसका जैसा मन करे वैसे हाईलाइट करवाते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डराने वाली हूँ कि हेयर कलर करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज, नई चीजें ट्राई करनी चाहिए, अपने हेयर्स के साथ, अपने लुक के साथ थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट चीजें ट्राई करनी चाहिए, डिफरेंट चीजों के साथ अपना केयर करना, अपने बालों की केयर करना, अपने बॉडी की केयर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी हेयर कलर कराने से पहले और कराने के बाद आपको किस तरह से अपने हेयर्स की केयर करनी चाहिए वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मैंने भी हेयर कलर करवाया था 2016 में। अगर आपने मेरे हेयर स्टाइल वीडियोस देखे होंगे या अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने भी हेयर कलर करवाया था। मेरे बहुत सारे वीडियोस में मेरे हेयर कलर ऐसे दिख के आते हैं। मैंने भी मेरे हेयर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे जो कि हेयर कलर कराने के बाद हम सब लोग थोड़ा बहुत नोटिस करते ही है। तो अगर आप हेयर कलर कराने का सोच रहे हो तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे हेयर स्टाइल के वीडियोस बनाती हूँ, बहुत सारे मेकअप लाइफ स्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद जो मुझे बेल आइकन उसे भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो जैसे कि हम सब जानते हैं सबका हेयर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, किसी के कर्ल होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के बहुत फ्रीजी होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा स्मूथ एंड सॉफ्ट होते हैं, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो जो हेयर कलर होता है वो सबके बालों पे अलग तरह से रिएक्ट करता है, किसी के बाल कुछ ज्यादा ही फ्रीजी हो जाते हैं, किसी के हेयर में कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो मेरे भी बाल थोड़े से डैमेज हुए थे, मेरे भी बाल थोड़े से फ्रीजी हुए थे क्योंकि मैं ज्यादा केयर नहीं कर पाती थी अपने हेयर्स की। तो अगर आप हेयर कलर कराने का सोच रहे हो तो आपको प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। आपको जो भी चीजें वो आपका हेयर स्टाइलिस्ट जिसने भी आपका हेयर कलर किया है वो आपको जो भी सजेस्ट करेगा, अगर वो आपको सजेस्ट करे कि आपको डिफरेंट शैम्पू या डिफरेंट कंडीशनर यूज करना है या कोई भी एक ऐसा सीरम यूज करना है तो वो आप जरूर खरीदेगा, जैसे भी वो आपको सजेस्ट करे उस तरह से, और उसे अप्लाई करना अपने हेयर्स पे ताकि आपके हेयर्स ज्यादा डैमेज ना हो, ज्यादा फ्रीजी ना हो। और हम जब भी हेयर कलरिंग करवाते हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल होते हैं, कलर्स के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर्स को स्टार्टिंग में बहुत शाइनी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगने लगता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब हम केयर करना छोड़ देते हैं तो उसके बाद वो फ्रीजी हो जाते हैं, हेयर फॉल होने लगता है, हमारा स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली इची हो जाता है। सो जो नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट हेयर कलरिंग कराने की जगह पर हमेशा टेम्पररी हेयर कलरिंग कराएं ताकि अगर आपके हेयर्स कोई डैमेज भी हुए हैं तो वो जो कलर है आपके 6 to 7 months में फेड हो जाए, निकल जाए। अगर आपने टिप्स एरिया में नीचे के बालों में पूरा हेयर कलर किया है तो वो थोड़े टाइम बाद आप उसे कट करवा सके, कट कर वो जो डैमेज हेयर्स है वो निकाल सके। परमानेंट हेयर कलरिंग इसलिए नहीं क्योंकि अभी आपने खुशी खुशी जाकर फ्रेंड का देखकर या ट्रेंड फॉलो करने के लिए जाकर परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लिया, या आपको पता भी नहीं कि परमानेंट और टेम्पररी होता है, तो आपने जाके करवा लिया और फिर इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपको नहीं पता, कि क्या पता आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल होने लगे, क्या पता आपको आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, बहुत ज़्यादा इचीनेस आ गया है, आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ ये चीज़ें हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ये चीज़ें ना हो, तो इसीलिए हमेशा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और जो थर्ड चीज़ है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि हमेशा हेयर कलरिंग करवाने से पहले पैच टेस्ट करवा लें। अगर आप सैलून में जाकर हेयर कलरिंग करवा रहे हो आपके जो भी हेयर स्टाइलिस्ट हो उन्हें बोलिए कि नेक के पीछे या फिर आपके हैंड के पीछे वो जो कलर आप लगाने वाले हो, जो भी कलर आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपके हैंड्स के पीछे थोड़े टाइम के लिए लगा के रखे और पैच टेस्ट करें। अगर आपको किसी तरह का कोई एलर्जी नहीं हुआ है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, जैसे भी आपको हेयर कलर करवाना है आपका। अगर आपको किसी भी तरह का कोई एलर्जी हो रहा है तो प्लीज अपना हेयर कलर मत करवाइए, केमिकल है वो आपको बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा है। ये जो बात मैंने अभी कवर की अबाउट इचीनेस एंड एलर्जी, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सबके साथ हुआ हो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी हेयर कलर किया, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप लकी थे कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहाँ पर उनके पूरे नेक एरिया में रेडनेस आ जाता है, कि नॉर्मली सबके साथ नहीं होता बट किसी किसी को होता है, एलर्जी होता है। सो अभी साइड इफेक्ट देख लेते हैं, जैसे कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं तो इसके भी थोड़े से प्रोज है थोड़े से कॉन्स है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कि इसके करवाने के बाद आपको क्या क्या चीजें से डील करनी पड़ती है। किसी को करना पड़ता है, किसी को नहीं करना पड़ता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ऐसा मत लिखना कि मैंने तो नहीं किया, आप ये क्यों बता रहे हो। तो इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ सारी चीजें, जो भी सारी चीजें होती है, ताकि आप अवेयर हो जाए।
ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। अगर आप हेयर कलरिंग करवा रहे हो तो सबसे पहली बात, अगर आपको वो हेयर कलर सूट नहीं हुआ, वो केमिकल सूट नहीं हुआ, तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैसिव भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपके हेयर्स फ्रीजी भी हो सकते हैं। अगर वो 6 to 7 months तक रहा है आपके हेयर्स में, तो आपके हेयर्स थोड़े बहुत फ्रीजी होंगे, थोड़ा बहुत डैमेज होता ही है हेयर्स को। और एक बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें ही शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर कलरिंग करवाने का सोच रहे हो, तो क्राउन एरिया में हाईलाइट ना करवाएं, पहले से स्काल्प एरिया को हाईलाइट ना करवाएं, क्योंकि स्काल्प जो होता है वो हमारे बालों का जड़ होता है, वो ख़राब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा अपने हेयर्स के लेंथ, जो नीचे के लेंथ है, वहाँ पे कलरिंग करवाएं, और फिर देखें कि अगर आपके ऊपर वो कलर सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो जो आपने हेयर कलरिंग करवाया, वो जो केमिकल है, वो आपके हेयर्स को ज़्यादा डैमेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर आपके हेयर्स को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो अगर आप चाहें तो फ्यूचर में आप क्राउन एरिया पर भी जाकर हेयर कलरिंग करवा सकते हैं। अगर आप नए नए हो और अगर आप हेयर कलरिंग का सोच रहे हो, तो हमेशा नीचे के लेंथ को ही कलरिंग करवाएं, क्योंकि अगर आप नीचे के लेंथ को करोगे तो वो थोड़ा थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगा, 6 to 7 months के बाद, और आप चाहे तो उसे कट कर सकते हैं। अगर आपको हेयर कलर नहीं पसंद है या डैमेज हो गए, फ्रिजी हो गए आपके हेयर, अगर आपका कलर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और आप और कलर करने का सोच रहे हैं अपने हेयर्स के ऊपर, डिफरेंट कलर या सेम कलर जो भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मेरी बात मानो, तो 6 to 7 months अपने हेयर्स को थोड़ा ब्रीथ करने दो, या 3 to 4 months अपने हेयर्स को थोड़ा ब्रीथ करने दो, और उसे थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, थोड़ा केमिकल से फ्री होने दो, ज़्यादा हेयर स्ट्रेटनिंग मत करो, जैसा वो नेचुरली है हेयर वॉश करिए, नॉर्मली हेयर ऑयलिंग करिए, और थोड़े दिन अपने हेयर को ब्रीथ करने दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, जैसे कि कुछ भी अप्लाई मत करिए केमिकल की चीज़ें। अगर आप बैक टू बैक कलर अप्लाई करेंगे, तो आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और एक लास्ट पार्ट मुझे इस टॉपिक के ऊपर आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि अगर आपने हेयर कलरिंग करवा लिया है या नहीं भी करवाया है, तो हमेशा अपने हेयर्स को वीकली वंस और ट्वाइस ऑयलिंग करिए। ऑयलिंग करने से हमारे हेयर्स में जो हमारा नरिशमेंट चला गया होता है, थोड़ा सा नरिशमेंट मिलता है। हमेशा वीकली एक या दो बार तो हेयर ऑयलिंग करिए ही, अपने हेयर्स को प्रॉपरली वॉश करिए, और अपने हेयर्स को प्रॉपरली कंडीशनिंग करिए। अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं, अगर आप अपने हेयर्स के ऊपर कंडीशनर नहीं अप्लाई करते, तो जो भी आप अपना सीरम वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, उसे नॉर्मली वैसे ही चलने दीजिए। और अगर आप कोई न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, तो उसका भी पहले पैच टेस्ट कर लीजिए, एक दो बार अप्लाई करके देखिए अगर सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ही उसे आप अपने हेयर्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर वापस ट्राई करना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ये वीडियो को एक लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिए। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये जो वीडियो था, ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए था। अगर आप बॉय हो, अगर आप भी हेयर कलर करने का सोच रहे हो, तो आपके लिए भी ये सारे जो मैंने टिप्स बताए या जो भी चीज़ें मैंने कवर की इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए, और आप भी हेयर कलर करवा सकते हैं। और ये वीडियो को आप अपने बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो। अगर आपके कोई भी और टिप्स एंड ट्रिक्स है, या अगर कोई और पॉइंट्स है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं मिलूंगी आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।